और दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफर विद पॉल। आज है 19 मार्च 2023 और हम रोड ट्रिप पे निकल चुके हैं। आज है 19 अप्रैल 2023 और हम निकल चुके हैं रोड ट्रिप पे और हम जा रहे हैं बहुत ही खास जगह जो कि आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, ऐसी भी जगह इंडिया के अंदर हो सकती है जो कि राजस्थान में है। और हम करंट लोकेशन जयपुर और जयपुर से हम जा रहे हैं किशनगढ़ जो कि इंडिया का बहुत बड़ा डंप यार्ड है मार्बल का। तो पूरी वीडियो देखते रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको पूरा बताया जाएगा कौन से रूट से जाना चाहिए आपको जयपुर से अगर जा रहे हैं, कितना किलोमीटर टोटल लगता है, प्लस आपको टोल कितना लगता है, कौन सा रोड है, रोड की कंडीशन के सब दिखाई जाएगी। अगर यहाँ से ब्लॉग देखना स्टार्ट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। चलिए निकलते हैं रोड पे, चल के मिलते हैं आपको डायरेक्ट। तो हम लोग जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे वो करेंगे करीब 100 किलोमीटर जयपुर से लेकर किशनगढ़ तक, और टोल शायद 1 या 2 लगता है, जो भी लगेगा आपको पता चल जाएगा। आप लोग सब एक्साइटेड हो पीछे जितने बैठे सब लोग? Yes! सब लोग जो एक्साइटेड है भाई साहब, कह रहे हैं स्विट्जरलैंड देखने जा रहे हैं एकदम। इंडिया का ऐसी जगह है जो स्विट्जरलैंड बोला जाता है, समझ लीजिए उसको मूडलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो जहाँ पे बिना पासपोर्ट के जा सकते हो समझ लीजिए आप। तो आप लोग विलेज करते हैं बिना पासपोर्ट के वर्चुअली जयपुर टू किशनगढ़ बाई रोड। हम लोग जो है अजमेर वाले हाईवे पे ही है और अपना पहला टोल आने वाला है करीब 1/2 किलोमीटर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टोल वो 0.5 किलोमीटर, और करीब हम लोग 10 किलोमीटर चला, ज़्यादा नहीं चले अभी भी यहाँ से जो है करीब 80 किलोमीटर दिखा रहा है किशनगढ़ डंप यार्ड। दोस्तों ये आ चुका है अपना पहला टोल प्लाजा जिसे बोलते हैं ठिकरिया टोल प्लाजा। अब यहाँ पे हमारा कटेगा 80 रुपये लिखा था पीछे। दोस्तों पहला टोल हमारा कट चुका है जिसे कहते हैं ठिकरिया टोल प्लाजा, अरे 80 रुपये कटे हमारे अभी, फास्टैग से अपने आप ही कट गया। बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं अजमेर हाईवे बोलते हैं इसको, और ये जो किशनगढ़ जो डंप यार्ड है ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, और अजमेर वहाँ से जो है डंप यार्ड से करीब 30-40 किलोमीटर दूरी पर है। देखते हैं वहाँ जाते कि नहीं जाते, जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू, आप थोड़े रोड के मजे लीजिए जब तक। दोस्तों जो अजमेर हाईवे जो आप देख सकते हैं जयपुर वाला, इसमें जो है पेट्रोल पंप बहुत सारे ऑप्शन है, तो पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, इंडियन ऑयल HP और भारत पेट्रोलियम वाला। बाकी अगर मैं ढाबों की बात करूँ, ढाबे भी लाइन से है, मतलब एक नहीं करीब बहुत ढाबे हैं। मतलब ये देखिए कैसे थूक रहा गाड़ी के पास, ऐसे थूकता है कोई? दोस्तों देख सकते टोटल हम लोगों ने जो है अभी करीब 65 किलोमीटर जर्नी तय कर ली है, तो मान के चलिए 30-35 किलोमीटर और बचा है, पहुंच जाएंगे हम अभी किशनगढ़। अभी तक हम लोग कहीं रुके नहीं है। करंट टाइम की बात करें सुबह कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहा है, तो अभी 9 ही बज रहा है, समझ लीजिए हम लोग निकले थे करीब घर से 7:30 बजे। तो अपने दूसरे टोल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं, अब यहाँ देखते कितने की पर्ची कटती है। मेरे ख्याल से इसके बाद 10 किलोमीटर का रास्ता और बढ़ गया है, 10 किलोमीटर और पहुँच जाएंगे। अब ये टोल लास्ट टोल ही होना चाहिए, इसके बाद तो और कोई टोल नहीं होगा। वो शायद लग रहा है 50 रुपए का गाड़ी का, 4-व्हीलर का लिखा था 50 रुपए। ये किशनगढ़ का टोल है दोस्तों, देख सकते हैं किशनगढ़ टोल प्लाजा।
वो लिखा है सामने किशनगढ़ टोल प्लाजा। देखते इसमें कितने का टोल कटता है। 50 रुपए कटना चाहिए वैसे, पीछे 50 लगा तो 50 ही कटना चाहिए। ये देखिए कट गया ताड़ से जो है, दरवाजा खुल गया। तो हम लोग करीब जयपुर से 75 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं। दो टोल कटा है, एक 50 का कटा है अभी वाला जो किशनगढ़ का टोल है, और एक 80 का कटा था पहले। टोटल 80 5 130 रुपये, 130 का टोल अभी तक कट चुका है टोटल, और ज्यादा टाइम भी 130 कटे का मतलब 260 का टोटल टोल मान लीजिए आप। ओके भैया सब लोग शांत क्यों पीछे, हाउ इज द जोश, इधर धीरे बोल रहे, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, नहीं हाउ इज द जोश। ये देखिए दोस्तों यहाँ से आ गया टोल रोड स्टार्ट, किशनगढ़ सिटी 4 किलोमीटर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया वेलकम्स यू। वीवर जो है 86 अजमेर 32, समझ लीजिए हम अजमेर पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो दोस्तों हम लोग जो है पहुंचने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से। तो उससे पहले सब लोग कह रहे थे कि चाय में पी ले, काफी घर से चाय में नहीं पिए, तो हमने कहा चलो यहाँ पे हमको दिन मिल गया शर्मा जी का अमृत पवित्र भोजनालय, यहाँ चल के चाय पीते हैं और देखते कैसी चाय रहती है। तो दोस्तों हम लोग जो प्लान कर रहे हैं और चाय लेने का प्लस सैंडविच खाएंगे लोग, सब लोग बोल रहे हैं जी सैंडविच ऑर्डर करते हो चाय करते ऑर्डर, फिर देखते खाता कैसा रहता है, अगर बढ़िया रहेगा तो आपको भी रिकमेंड किया जाएगा। भैया 6 चाय ले आओ और 2 सैंडविच ले आओ जी सैंडविच बस, 2 सैंडविच। तो दोस्तों सैंडविच आ चुकी है, चाय भी तक आई नहीं है, चारों उधर बैठे हैं और बाकी हम लोग चारों उधर बैठे हैं। बोलो दोस्तों सैंडविच बहुत बेकार है, मतलब अंदर थोड़ा जैम लगा दिए और हल्का चीज़ लगा के दे दिए, मज़ा नहीं है, वर्थ नहीं है 60 रुपये का। आपको रुकना है ना इस ढाबे से 4-5 किलोमीटर पहले, बर्गर किंग है और एक बड़े ढाबे वहाँ रुके, शर्मा जी भोजनालय रेकमेंडेड नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है शर्मा जी भोजनालय, मज़ा नहीं आया भाई साहब खाया किसी को, मज़ा नहीं आया, चाय अच्छी थी ना सैंडविच अच्छी थी। बाकी बस यहाँ से 2 किलोमीटर रास्ता और बच गया डंपिंग यार्ड का, बाकी आप देखिए जो पूरा जो सामने देख पा रहे हैं पूरा अजमेर हाईवे है सामने, इसी से चले जाएंगे अजमेर निकल जाएगा। और यहाँ देखिए सारे जो है मार्बल लगे हुए लाइन से, मार्बल की दुकान है एक से एक से। हो गए सब लोग लोड, चले सब लोड हो चुके, चलो 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 मिलते हैं, चलो 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 दोस्तों निकलते हैं यहाँ से फटाफट, आपको डेस्टिनेशन चल के मिलते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों भाई साहब पहुंच चुके हम लोग मार्बल सिटी ऑफ इंडिया किशनगढ़। देखिए दोनों तरफ आपको मार्बल की दुकानें दिखेंगी भाई साहब, एक से एक बड़े बड़े मार्बल, सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होता है, पूरे इंडिया में समझ लीजिए यहीं का मार्बल जाता है। एक तो दुकानें नहीं सैकड़ों हजारों दुकानें हैं यहाँ पे। मार्बल की मंडी देख लीजिए आप लोग दोस्तों, सब्जी मंडी देखी होगी, मछली मंडी देखी होगी आप, देख लीजिए आप मार्बल की मंडी। हम लोग जो है पहुंच चुके हैं एकदम किशनगढ़ मार्बल सिटी, बाकी सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा उसमें सारा आपका जो है एंट्री का प्रोसेस क्या है, कितना टाइम अंदर घूम सकते हो, टाइमिंग क्या है, और जो है पूरे वीडियो डिटेल में उसकी अगली वीडियो जो है बनाने जा रहा हूं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बाकी रोड जर्नी यहाँ पर ख़त्म करता हूं, आप बताइएगा आपको जर्नी कैसी लगी, बढ़िया लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है। मिलते हो आपसे नई वीडियो जल्दी, तब तक लो ध्यान रखिए, सफर विद पॉल देखते रहिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।